नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर से आप सभी की सेवा में हाजिर। आज यूपी ट्रिपल एससी पीईटी जिसकी परीक्षा कल यानी कि 24 अगस्त को होनी है, बहुत सारे बच्चे जो अपने अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच भी हो गए होंगे और लास्ट टाइम में बहुत ही ज्यादा पैनिकनेस होती है। इन सभी चीजों का एक समाधान, एक लास्ट टाइम जो आपके टिप्स होना चाहिए, परीक्षा में प्रश्नों को कैसे हल करना है, कैसे आपका टेम्परामेंट होना चाहिए, प्रश्नों को किस नजरिए से देखना है और अपने आप को क्या समझाना है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट होना है, इन सारी चीजों पर चर्चा करना है। या ऐसा बोले कि लास्ट टाइम में हमें क्या डूज होना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या डोंट्स होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पे चर्चा करते हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत की, लगातार पिछले 3-4 महीनों से इस परीक्षा के लिए पूरा दम लगा के आप लोग पढ़ रहे थे, पूरी एनर्जी इधर लगा दिए थे और वो ऊर्जा आपके अंतिम समय में जब आप रिवीजन कर रहे थे तो वहां पे बहुत ज्यादा मददगार साबित भी हुई। रिवीजन करने के बाद एक फेज अब आता है क्योंकि अब आपके पास कुछ करने को लिए नहीं बचा, जो घोर अब बचा है वो आपने जो किया है उसका रिजल्ट, उसका परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बचा है। और परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपकी मैच्योरिटी कितनी है, आप परीक्षा को लेकर कितना ज्यादा गंभीर थे और कितना ज्यादा आप पॉजिटिव नजरिए से उसे देख रहे थे, इन सारी चीजों पे यहाँ पे बिलीव यहाँ पे चीजें डिपेंड करती हैं। तो अब हम लोग लास्ट टाइम में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों चीजों पर ध्यान देंगे। कारण क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लो, आप लगातार पिछले 3-4 महीना से पढ़ते आ रहे हो, उसके बाद आपने रिवीजन भी बहुत ज्यादा किया, इसमें आप क्या होता है ना तो अपने स्वास्थ्य को देखते हो ना ही अपनी नींद को देखते हो और केवल एक तरफ से मेहनत करते चले जाते हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो परीक्षा का वो अंतिम घंटा होता है, वो जो 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं, 120 मिनट वाले हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आपके पिछले 4 महीने की मेहनत कितनी रंग ला रही है और कितनी रंग नहीं लाएगी। आप बहुत सारा पढ़ लो, आपको बहुत सारा सब चीजें कवर करके जाओ और परीक्षा हॉल में आपका टेम्परामेंट गड़बड़ हो जाए, आप घबरा से जाओ, आप वहां पर थोड़ा सा नर्वस हो जाओ तो परीक्षा, एक बोलते हैं कि परीक्षा बर्बाद सी हो गई, बेकार सी हो गई। आप कुछ भी मत पढ़े हो फिर भी आपका दिमाग बहुत अच्छा वर्क कर रहा होता है, तो यह बात उतनी ही सही है कि परीक्षा में हमारा जो दिमाग होता है वो खुली किताब की तरह काम करता है। हम अपने बचपन में कहीं से भी कोई भी जानकारी एकत्रित करते हैं, दिमाग में डालते हैं, वो हमें वहां पे क्या होता है याद आने लगता है, वो डायरेक्टली फेच हो जाता है और केवल इसी इक्वेशन पे हमारे परीक्षा हॉल में जो चीजें घटित हो रही होती है पूरा डिपेंड करता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपका कूल टेम्परामेंट, वो अंतिम के 2 घंटे आपके लिए निर्णायक होंगे। उस 2 घंटे में आपको कितने प्रोफेशनली प्रो बोल दो ऐसा, या कितनी मैच्योरिटी के साथ, कितनी परिपक्वता के साथ आपको पेश आना है, कितनी ज्यादा संयम बरत के, कितना कूल टेम्परामेंट होके आप उस पर उन प्रश्नों को हल कर रहे हो, वो निर्धारित करेगा, वो आपको रिजल्ट बताएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। तो इन्हीं बारे में हम चर्चा करेंगे, उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे कि बच्चे गलती क्या क्या करते हैं। कारण क्या होता है कि आप अपनी गलतियों के बारे में जानते हो, आप बहुत ज्यादा होगा 10 टेस्ट लगा लिए तो 10 टेस्ट में प्रश्नों में क्या गलती होती है वो जान जाओगे, आपका अपना जो स्वभाव है थोड़ा बहुत वो जान जाओगे, लेकिन वो केवल आपसे गलतियां होती हैं जब हम हजारों और लाखों की संख्या में बच्चों को देखते हैं और देखते हैं कि ये बच्चा ये गलती कर रहा है, ये बच्चा ये गलती कर रहा है, तो हमें कंक्लूजन समझ में आता है कि ये कॉमन एरर है, ये एक जनरल सा एरर है जो हर बच्चा कर सकता है और अगर ये एरर सुधार ले तो उसका पेपर अपने आप आसान हो जाए। तो आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीटी का लास्ट मिनट टिप्स लेके आए हैं और ये पीटी के कोर्स से जब से स्टार्ट हुआ था ये अंतिम आपके लिए मैं आपने शामिल भी हो रहा हूं। इसके बाद कल हम लोग पेपर सॉल्व भी करवा देंगे, है ना, जैसे ही आपका पेपर आएगा आप लोग भेज तुरंत दीजिएगा 9450006007 पे जो नीचे नंबर चल रहे हैं, है ना, या 9129697080 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि आपका सॉल्यूशन तुरंत आ जाए। और उसके बाद हम लोग सर्वे भी कराएंगे कि आपका मार्क्स कितना है और क्या कट ऑफ जा सकती है। मेरिट बेस्ड एग्जाम है, जो मेन्स होना है वो मेरिट के आधार पर ही जितना होगा उतने पर होगा। खैर ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन डूज और डोंट्स के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं यहां पे कि जो परीक्षा है, परीक्षा में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो क्या है, 120 मिनट आपको समय मिलने वाला है और इस 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी आप एक चीज अपने दिमाग की मैच्योरिटी के हिसाब से समझते ये चलो कि कोई भी परीक्षा होती है, परीक्षा 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, एक होता है इजी, एक होता है मॉडरेट यानी कि थोड़ा कठिन स्तर का, है ना, मॉडरेट होता है, और एक होता है आपका टफ यानी कि जो ज्यादा ही कठिन होता है, एक मध्य स्तर का होता है, एक आसान होता है, एक क्या होता है कठिन होता है। अगर हम इसकी बात करें तो अगर आपके परीक्षा में 100 क्वेश्चन है
तो 100 क्वेश्चन में लगभग लगभग 40-50% पेपर किस कैटेगरी में आने वाला है, इजी कैटेगरी में आने वाला है। मैं फिर से बता दूं, कोई कुछ भी बोले आपको ये बात लेके चलनी है कि पीईटी की परीक्षा बेहद आसान होने वाली है और यही सबसे ज्यादा सत्य भी है। इन केस 1% के लिए पेपर टफ भी आ जाता है तो टेम्परामेंट नहीं बिगड़ने देना है। अगर आसान होता है पेपर तो सबके लिए आसान होता है, अगर टफ होता है तो सबके लिए टफ होता है। एक आप अकेले परीक्षा नहीं दे रहे होते हो, आपके साथ लाखों की संख्या में बच्चे क्या करते हैं परीक्षा दे रहे होते हैं और यहां पर तो संख्या लगभग 30 लाख है ना। तो उन 30 लाख लोगों के लिए परीक्षा टफ होगी, उन 30 लाख लोगों की परीक्षा आसान होगी। आप अकेले नहीं हो तो यह दिमाग में लाना है कि पेपर आसान होगा या टफ होगा। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां पर आपका अपना व्यक्तिगत स्कोर मायने नहीं रख सकता रखता है। आपका आपके मित्र आपके अलग जो अभ्यर्थी हैं, जो अलग आपके परीक्षार्थी हैं, उनके रेस्पेक्ट में आपका कितना नंबर कम है या ज्यादा है यह मायने रखता है। तो यह डिसाइड नहीं करता कि पेपर इजी या टफ आपका सिलेक्शन या आपके मेरिट पे कोई फर्क डालेगा, वो नहीं करता, आपका टेम्परामेंट करता है। इजी जो होता है वो 40-50% होगा, मॉडरेट जो होगा यहां पर मैं बता दूं करीबन आपका 25-30% जो आपका होगा या 30-35% इसे ले लो मॉडरेट कैटेगरी में आएगा, और बाकी जो 15-20% है ये आपका टफ कैटेगरी में आएगा। आप समझिएगा, 100 क्वेश्चन में अगर हम डिवाइड करें तो 40-50 क्वेश्चन आसान होंगे, 30-35 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट होंगे। मॉडरेट यानी कि मतलब आपसे लगे ना, मॉडरेट मतलब उनसे स्तर थोड़ा ज्यादा होगा। हो सकता है कि वो ऐसे प्रश्न हो जिनके विकल्प स्टेटमेंट वाले हों, हो सकता है इसमें ऐसे प्रश्न हो जो डीआई वाले डेटा इंटरप्रिटेशन वाले हों, ग्राफ और चार्ट वाले हों जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो, वो इस कैटेगरी में आ सकता है, या हो सकता है कोई गणित का प्रश्न कहीं ज्यादा कॉन्सेप्ट लगा के आ जाए वो इसमें हो सकता है, मॉडरेट लेवल का होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जीएस का पेपर, जीएस के क्वेश्चन टफ और हार्ड इजी नहीं होते, अगर उसकी जानकारी आपको पता है तो आसान, अभी उसकी जानकारी नहीं पता है तो वो कठिन होता है। ये आप लोग कई बार क्या पूर्वग्रह कर लेते हो, प्रेजुडाइज कर लेते हो कि अगर वन लाइनर क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन है कि एक लाइन में क्वेश्चन दिया है, विकल्प दिया हुआ है, एक वर्ड बी सी और ऐसे ये दिया हो तो इसे बोलते हैं ये आसान प्रश्न है। जबकि अगर वो आपको क्वेश्चन ऐसे देता है स्टेटमेंट 1, 2 और 3 और फिर जब फूट में क्वेश्चन पूछता है 1, 2, 3 सही है या 1, 2 सही है या 2, 3 सही है, तो आप बोलते हो ये कठिन। ये तरीका नहीं होता आपको प्रश्न को कठिन या आसान बनाने का। हो सकता है ये जो आसान वाला, ये जो वन लाइन में क्वेश्चन पूछा है, ये इतना डीप फैक्ट से क्वेश्चन पूछा हो जो आपको बड़ी बड़ी किताबों में भी ना मिले, वो कहीं बहुत गहराई में जाके एक सिंपल से पूछ ले कि इस किताब को किसने लिखी, वो किताब कोई प्राचीन भारत का बिलोंग कर रहा हो, लेकिन आपने ना वो कभी लूसेंट में पढ़ा ना परीक्षा प्लस के नोट्स में वो पढ़े, क्योंकि पीटी के सिलेबस में दिया नहीं गया, लेकिन पेपर बनाने वाला हो सकता है कहीं पा गया और रख दिया हो, ना वो किसी अन्य किताब में मिले जो कॉमन क्वेश्चन ना हो, लेकिन है ये एक लाइन का, तो ये क्वेश्चन क्या कहलाएगा, ये टफ कहलाएगा, ये इजी नहीं कहलाएगा। फैक्ट डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन इजी है या आसान। तीन लाइन में क्वेश्चन दे दिया, पूछ लिया कि 1857 की क्रांति में कुछ पूछ लिया वहां से, या कब हुआ था ये पूछ लिया, उसमें एक स्टेटमेंट पूछ लिया कि महात्मा गांधी भारत वापस कब आए थे, एक स्टेटमेंट पूछ लिया कि भारत आजाद कब हुआ था, तो तीनों स्टेटमेंट बहुत आसान है। अब भले ही ये तीन स्टेटमेंट में क्वेश्चन है लेकिन तीनों इंफॉर्मेशन आपको पता है और क्योंकि कूट पता है तो आप इसे क्या कर सकते हो, गो थ्रू ऑप्शन से इसे आसान बना सकते हो। तो प्रश्न ये नहीं डिसाइड करता, प्रश्न बड़ा और छोटा, टफ और इजी डिसाइड नहीं करता, प्रश्न का फैक्ट कितना डीप है जीएस में ये डिसाइड करता है कि आपका यहां पे टफ है या आसान है। तो ये दिमाग से निकाल दो, कुछ कठिन है या आसान है, अगर आएगा तो आसान है, नहीं आएगा तो कठिन है, आप ऐसे समझो। और हमें ये पूरा अंतिम टेस्ट भी इसी हिसाब से चलना है, जो प्रश्न आपको आ रहा है मैं उसे आसान कैटेगरी में रख रहा हूं, जो प्रश्न आपको थोड़ा थोड़ा डाउट है, ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर गलत हो सकता है, उसे मॉडरेट कैटेगरी में रख रहा हूं, और जो क्वेश्चन टफ होगा यानी कि आपसे आप क्वेश्चन देख के ही तुरंत ही पूर्वाग्रह कर लोगे कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं लग सकता, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसका मुझसे दूर दूर से वास्ता नहीं है, वो क्वेश्चन किस कैटेगरी में रखेंगे हम लोग, टफ कैटेगरी में रखेंगे, जिसे हम 15-20 क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे। अब एक चीज आप समझ के चलो, ये पीईटी की परीक्षा मेरिट बेस्ड है, और अगर मेरिट बेस्ड है तो यहां पे अगर आपने 80 क्वेश्चन काटे पीटे 80 क्वेश्चन सही कर लिया तो मेरिट में आप टॉप 100 में आ जाओगे, गारंटीड है मेरिट में आप टॉप 100 में आ जाओगे। और क्योंकि यहां पे मेरिट बननी है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपका जॉब मिलना है या इतनी ही वैकेंसी है, वैकेंसी बेस्ड नहीं है, ये आपका मेरिट बेस्ड है। ऊपर से जितना आपका नंबर होगा उतने ही, जितनी मेरिट में ज्यादा जगह होगी उतना ही ज्यादा अच्छा है। और अगर आप टॉप 3-4 लाख में भी आते हो तो आपको मेंस की परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा। मैं तो टॉप 100 की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो,
कहने का मतलब अगर आप 80 क्वेश्चन लेके चले जाते हो तो आप टॉप 100 में आ जाओगे, और अगर आप 60 क्वेश्चन सही करके आते हो तो भी आपकी जो रैंक बनेगी वो 3 लाख से 4 लाख के बीच में बनेगी, और 3 से 4 लाख वाला रैंक वाला बच्चा भी अधीनस्थ द्वारा कराए गए किसी न किसी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए वहां पे क्या होगा, एलिजिबल हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अब अलग अलग हो रहा है, जैसे ये वैकेंसी पे डिपेंड करती है, मैं यहां पे थोड़ा सा समझा दूं। अभी मान लो किसी में 10,000 वैकेंसी है, लेखपाल वाला 8,000 वैकेंसी है, तो इसका अगर 20 गुना बुला लेगा तो ये आपका कितना होगा, 2 लाख हो गया। तो कायदे से हम तो 30 लाख नहीं, हाँ 3 लाख नहीं, लेकिन आप टॉप 1 लाख तक अपने आप को सेफ मान सकते हो कि आपको परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन 80 प्लस आ गया तो टॉप 100, और 60 प्लस आ गया तो आपका क्या आ जाएगा, ये फिर भी आप निम्न स्तर पर रहोगे। तो चिंता की कोई विषय नहीं है, कहने का मतलब अगर आप 60 नंबर भी ले आओगे तो भी आपका क्या होगा, मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आप वहां पे क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। और क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा का या अर्हता परीक्षा का मार्क्स वहां पे जुड़ना नहीं है, इसलिए आपका ये मार्क्स बहुत ज्यादा डिसाइड नहीं करेगा कि क्या होना है। तो इसलिए ये मेरिट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात सही है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि हमारा 80 ही आएगा, 75 आएगा तभी हम किसी काबिल हैं, वरना किसी काबिल नहीं है। आपका ऊपर से 1,50,000 की रैंक आपका निर्धारित करेगा कि कहां पे है कोई ऐसी वैकेंसी जहां पे अगर 8-10,000 वैकेंसी आती है तो 20 गुना 10 गुना बुलाएगा तो भी आप वहां पे क्या होगा, 1,50,000 2 लाख के अंदर में आपको बुला लिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये बात रही, अब देखते हैं अगर हम 60 से 70 के बीच में भी सही करके स्कोर करके अगर हम यहां पे मेरिट में नाम बना सकते हैं या मेंस में बैठने की बात कर सकते हैं तो हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहीं से आपका टेम्परामेंट क्या होना चाहिए, स्ट्रांग टेम्परामेंट होना चाहिए और पॉजिटिव एस्पेक्ट होना चाहिए कि आप कल की परीक्षा पास या फेल होने के लिए नहीं जा रहे हो, कल की परीक्षा निश्चित आप क्वालिफाई करने के लिए देने जा रहे हो। और ये तब आप क्वालिफाई कर जाओगे जब आपका टेम्परामेंट कूल होगा। 40 से 50% मैंने बोला केवल इजी वाले प्रश्न कर लोगे तो 40 से 50 क्वेश्चन आपके यहां पे हो जाएंगे। अब इतने भी कोई गया गुजरा नहीं रहेगा कि मॉडरेट में 50% भी क्वेश्चन ना कर पाए, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन यहां पे तो आराम से कर ही लेगा। कितने क्वेश्चन हो गए, 55 से 70 क्वेश्चन हो गए। और अगर 55 से 70 क्वेश्चन आप सही करके आ जाते हो तो आपकी कल की परीक्षा बहुत अच्छी हो गई। और अगर आप 80 करके आते हो तो आप टॉप मार दिए, अगर आप 60 करके आते हो तो भी आप सेफ स्कोर पे हो। तो एग्जाम में मार्क्स के लिए सोच के नहीं चलना है, पहली बात ये, इसका मतलब आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चलना है कि कल की परीक्षा बाहर होने के लिए नहीं, कल की परीक्षा अंदर होने के लिए देने जा रहे हो, आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए देने जा रहे हो, पहली बात ये होगी। तो ये हमें ऐसे सोच के चलना है। अभी ये जो मैंने कैटेगरी डिवाइड किया, अब आपके सामने पेपर आता है तो उस पेपर को हल कैसे करोगे मैं आपको ये समझाता हूं। पेपर को हल करने का तरीका यह होना चाहिए कि आपको चार स्टेप में पेपर को डिवाइड करना है। चार स्टेप में क्या, पहले स्टेप में आपको वो सारे प्रश्न कर लेने हैं जो इजी है। मैंने इजी का मतलब क्या बताया, वो सारे प्रश्न जो आपको आते हैं, क्वेश्चन के लेंथ पे नहीं डिपेंड करता, वो आपको आते हैं या नहीं आते इस पे डिपेंड करता है। तो पहले स्टेप में आप क्या करो, इजी वाले क्वेश्चन को कर लो, और इजी वाले क्वेश्चन को आप क्या करो, 25 मिनट में पहले 25 मिनट में सारे आसान क्वेश्चन को कर जाओ। जो भी आपको लगे कि नहीं इसमें डाउट है उसे स्किप कर दो। यहां पे मैं आपको बताता हूं कि आपको ये टैलेंट होना चाहिए, स्किप रूल आपको आना चाहिए। स्किप रूल क्यों, क्योंकि एक शब्द होता है इमोशनली अटैचमेंट। कल की परीक्षा में कोई भी ऐसा बच्चा जो सिलेक्शन लेने जा रहा है, जिसकी मेरिट में नाम आ रहा है, वो इस शब्द को भली भांति समझता है कि इमोशनली अटैच नहीं होना है। इमोशनली अटैच मतलब क्या, कई बार क्या होता है कि आप किसी प्रश्न को अपना दिल दे बैठते हो। करने का मतलब कि यार ये प्रश्न तो मैंने पढ़ के आया था, ये मुझसे कैसे लग सकता है, ये लगेगा। आपने पहला 30 सेकंड उस पर दिया, हो सकता है वो क्वेश्चन ना लगे, हो सकता है आपसे कॉमन एरर हो रही हो सकता है आपसे ह्यूमन एरर हो रही हो। फिर आपने अगला 1 मिनट उस पर दिया, क्योंकि जब आपसे एक बार प्रश्न गलत हो जाता है तो अगली बार गलत होने के चांसेस 99% रहते हैं कि फिर से वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि आप नर्वस हो जाते हो, क्योंकि आप घबरा जाते हो, तो दिमाग उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। तो अगर एक बार प्रश्न गलत हुआ तो आपके दिमाग में ये तुरंत रखना चाहिए कि अगर गलत हुआ, आंसर मैच नहीं किया, मतलब इसे स्किप
कर जाना है। अभी हमें इसे दोबारा यहां पे ट्राई नहीं करना है, इमोशनली अटैच नहीं होना है, प्रश्न को दिल नहीं दे बैठना है, वरना आप क्या करोगे, अपना समय लेके जाओगे। हो सकता है आयोग हर बार प्रश्न गलत देता है, वो प्रश्न ही गलत हो, आप अपना तरीका सही लगा रहे हो लेकिन प्रश्न ही गलत हो, तो आपका उत्तर आएगा नहीं आएगा। लेकिन आप उसे 3-4 बार ट्राई कर लोगे तो जो आपका क्वेश्चन 30 सेकंड में होना था, 20 सेकंड में होना था, उसके पीछे आप अपना 5 मिनट तक बच्चे बर्बाद कर देते हैं। और ये इमोशनली अटैचमेंट फिर क्या करता है, उनका लास्ट में समय नहीं बचता है और पूरा टेम्परामेंट गड़बड़ हो जाता है। अरे यार मेरे इतने समय बर्बाद हो गए, पूरा पेपर बचा हुआ है, फिर आसान प्रश्न भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसकी टूल आपको आना चाहिए और आपको इमोशनली अटैच प्रश्न से नहीं होना है, यानी पहले 25 मिनट में केवल इजी वाले क्वेश्चन करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, मॉडरेट वाले प्रश्न को उठाना है, मतलब ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको थोड़ा डाउटफुल थे, थोड़ा लग रहा था कि इस पर थोड़ा सा समय और दे दिया जाए तो हो जाता, तो अगले आप इसे 25 मिनट में ही क्या करोगे, अगले 25 मिनट में ही आप इसे मॉडरेट वाले प्रश्न को आप यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। और उसके बाद आप क्या करोगे, तीसरा स्टेप आएगा जो टफ आएगा और इसको केवल और केवल 20 मिनट दोगे। कितना दोगे, 20 मिनट दोगे। ये समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन आपको इसी समय चलना है। 25, 25, 50, 20, 70 मिनट हो गया, अभी भी आपके पास 50 मिनट शेष हैं और आपने एक बार पूरा पेपर लगा लिया। अब आप क्या करो, आप फिर से उन प्रश्न इनमें से करने के बाद भी कुछ ऐसे प्रश्न बन जाएंगे, बच जाएंगे जो लगेगा यार इसे दूसरे राउंड में लगाते, थोड़ा और समय होता तो हम लगा लेते। जैसे कुछ डीआई के प्रश्न क्या होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, वो आपको क्या करना है, ये पहला दूसरा तीसरा राउंड जब खत्म कर लो तब आपको चौथे राउंड में ये डीआई वाला प्रश्न उठाना है। कुछ रीजनिंग के प्रश्न हो जाएंगे, जैसे सीरीज का क्वेश्चन हो गया, सपोज करो सीरीज ही आपके दिमाग में नहीं सोचने में आ रही है तो वहां पे आपको समय चाहिए, वो दूसरे राउंड में काम आएगा। मैथ्स तो बेहद आसान आने वाली है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए तो वो आपको इस वाले राउंड में आएगा। तो जो आपका मैं चौथा राउंड बोल रहा हूं इसमें डीआई प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग में एक्स्ट्रा समय देने की जरूरत है, ये एक्स्ट्रा टाइम यहां पे देना है। और कितना देना है, मुश्किल से 25 मिनट एक्स्ट्रा देना है ओवरऑल पेपर में। फिर जो लास्ट का आपका समय आता है, ध्यान दीजिएगा, इसी में आपका गोला भरने का भी होगा, है ना, ओएमआर बेस्ड पेपर है तो वो भी आपका समय ले जाएगा। और अगर 100 क्वेश्चन है, एक अगर आप सर्कल फिल करते हो तो कम से कम नहीं तो आपका 8 से 9 सेकंड जाएगा, और अगर आप पूरे पेपर में ऑन एवरेज लेके जाओ तो आपका 600 सेकंड लगभग 100 × 10 अगर आप कर लो, 10 सेकंड लेके जाए तो 1000 सेकंड आपका जाएगा। 1000 सेकंड मतलब कि आपका कम से कम 12 से 15 मिनट, ध्यान दीजिएगा, 120 मिनट में 12 से 15 मिनट केवल ओएमआर फिल करने में जाएगा। ध्यान दीजिएगा मैं फिर से क्या कह रहा हूं, 12 से 15 मिनट आपका ओएमआर फिल करने में जाएगा। लेकिन गलती मत करना कि आप पहले पूरा पेपर टिक मार लो फिर ओएमआर फिल करो, ये बच्चे गलती करते हैं। तो पहले तो ये हो गया हमारा, मैं आपको बता दिया कि आपका टेम्परामेंट कूल रखना है, क्यों, क्योंकि 60 से 65 प्रश्न करना इतना ही करना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि हम 80, देखो कोई अगर 100 में 100 भी कर लेगा तो भी उसी परीक्षा में मुख्य परीक्षा में बैठ पाएगा, और कोई अगर 70 क्वेश्चन भी सही करके आएगा तो भी उसी मुख्य परीक्षा में बैठ पाएगा। 100 क्वेश्चन में 100 में 100 सही करने वाले को कोई अलग से नोबेल प्राइज नहीं दे दिया जाएगा, कोई उसे अलग से वहां पे गोल्ड मेडल नहीं दिया जाएगा, सम्मानित नहीं किया जाएगा, उसकी भी वही औकात रहेगी। और अगर आप 65-70 प्रश्न करके मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो तो आपका भी उतना ही सम्मान रहेगा, आपका भी उतना ही स्वागत होगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये नहीं सोचना है कि हमें 100 में 100 सही करके आना है, हमें ऑप्टिमम सोचना है कि क्या हमारे लिए प्रैक्टिकल है, हमें वो सोच के आना है। पहली बात तो ये हो गई, तो टेम्परामेंट कूल रखना है। दूसरी बात, हमें पेपर को हल करने का तरीका क्या होना चाहिए, उसे हमें इसकी रूल लेके चलना चाहिए और उसे 4 सेगमेंट में डिवाइड करना चाहिए, साथ में समझना चाहिए कि हमारा ओएमआर फिल करने में आएगा। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो डूज डोंट्स पे हम थोड़ा यहां पे लास्ट में एक टिप्स कर लेते हैं कि क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है। तो देखो अगर डूज में हम करते हैं, है ना, डूज में करते हैं तो सबसे पहली बात आपको यह करना है कि जब आप, है ना, जब आप क्या पेपर को उठाओ तो पेपर को एक सरसरी निगाह में देखो और स्टेप वाइज, सबसे पहला काम स्टेप वाइज चलो, है ना, स्टेप वाइज करना है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है आपको स्किप रूल अपनाना है। दूसरा काम डूज में क्या करना है, स्किप रूल अपनाना है। तीसरा काम आपको यहां पे क्या करना है, तीसरा काम आपको जैसे एक प्रश्न हो जाए ओएमआर फिल करते चलो, ओएमआर फिल करते चलो। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या होता है यहां पे समझा दूं,
कोई भी पेपर होता है, सपोज करो आप 100 क्वेश्चन में आप टोटल 80 अटेम्प्ट करके आए, है ना। कोई इस दुनिया में माइकल लाल ऐसा नहीं है जो 80 का 80 क्वेश्चन करेगा और सबके सब सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10% क्या होता है, ह्यूमन एरर होता है। ह्यूमन एरर में क्या होता है, कई बार आप क्या करते हो, जब आप ओएमआर सीट फिल करते हो यहां पे गोला गोला बना रहता है और आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हो, अब आप एक साइड में पेपर रखते हो एक साइड में ओएमआर फिल करते हो, आप पहले का पहला लगाए, पहले का पहला लगाए, दूसरे का दूसरा लगाए, तीसरे का तीसरा लगाए, लेकिन उसके बाद से गड़बड़ हुआ, चौथे पे आप पांचवा गोला भर दिए, है ना, ये चौथे जो गोला भरना है उसमें पांचवे प्रश्न का भर दिए, ऐसा समझो। गोला है चौथा लेकिन प्रश्न कौन सा भर दिए, पांचवा। गोला है पांचवा प्रश्न भर दिए छठवां, अभी गलत होता चला जाएगा, फिर गोला है छठवां और प्रश्न कौन सा भर दिए सातवां। और ये बात आपको चार पांच क्वेश्चन गलत जब फिल कर लोगे तब आपको समझ में आएगा, अरे यार हमने ये गलत कर लिया, और वहीं पे माथा पकड़ लोगे और बोलोगे मेरा पेपर बेकार हो गया। तो ये नहीं करना है, ये कॉमन एरर है, ह्यूमन एरर है। 100 में से 20 बच्चों से ये गलती होती है जो लास्ट में ओएमआर फिल करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये ह्यूमन एरर नहीं करना है, आपको क्या करना है, ओएमआर साथ में भरते हुए चलना है। तो ये डोंट्स में रख लो, डोंट्स में आप यहीं पर लिख दो कि लास्ट टाइम ओएमआर फिल नहीं करना है, ये एकदम गांठ बांध लो, लास्ट टाइम ओएमआर फिल नहीं करना है, ठीक है। ह्यूमन एरर हो जाती है, कई बार क्या होता है, ह्यूमन एरर पहले सेशन में आती है कि कई बार हमारा जो दिमाग होता है वो सोच कुछ और रहा होता है और आंसर शीट में कुछ और लिख रहा होता है और उसके बिहाफ पे हमारा गलत हो जाता है। तो ये बात समझना कि अगर 80 क्वेश्चन आते हो तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा गिरेगी, 90% गिरेगी, मतलब तब आपकी काटे पीटे 72 क्वेश्चन सही होंगे, और जो आपने 8 क्वेश्चन गलत किया है 1/4 निगेटिव होगा, यानी कि 2 नंबर और माइनस होंगे, तो आपके 70 ही करोगे। कहने का मतलब 80 करके आओगे तो 70 का आपको फल मिलेगा। तो ये आपको समझ के चलना है कि इतना तो आपसे एरर होना ही होना है। बात समझ में आ गई, सभी से होता है। और ये जितना बचा लिए, ये जो बचा लेता है ना, ये जो बचा लेता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है, उसी का स्कोर अच्छा हो जाता है। आप यहां करोगे तो 80 करोगे 70 पाओगे, आप यहां पे करोगे तो 80 करोगे 75 पाओगे, इतना आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ओएमआर साथ में फिल करते चलना है। उसके बाद क्या करना है, डूज में क्या करना है, अभी एडमिट कार्ड वगैरह, तो ये तो एक कॉमन सी बात है ना, एडमिट कार्ड अच्छे से देख के जाना, एडमिट कार्ड अच्छे से देख के जाना। लेकिन उससे पहले आज की रात में क्या करोगे, आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए, नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। नींद अच्छी कहने से तात्पर्य यह है कि आप कितना पढ़े हो। लास्ट टाइम में बहुत सारे बच्चे पैनिक होते हैं, अभी ये बचा हुआ है पढ़ ले, अभी ये बचा हुआ पढ़ ले, अरे यार मैं ये रिवाइज कर लूं 10 मिनट में, ये रिवाइज कर लूं। ये सबसे घटिया तरीका होता है किसी भी अभ्यर्थी का। जो अच्छा बच्चा होता है वो आज शाम तक 6-7 बजे तक पढ़ा, उसके बाद अब वो कूल हो जाएगा, बढ़िया कॉफी पिएगा, चाय पिएगा, अच्छा खाएगा, उसके बाद एक प्रॉपर नींद लेगा। क्योंकि ये सेंटर रियलोकेटेड है, अलग अलग है, तो वहां पे क्या होता है, आपकी व्यवस्थाएं भी नहीं बनती है, ढंग से खाना नहीं हो पाएगा, ढंग से आपको हो सकता है रूम ना अवेलेबल हो, किसी दोस्त के यहां रुके हो, या बहुत सारे बच्चे सुबह ट्रेवल करेंगे, बाइक से जाएंगे, बस से जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे, वो हेक्टिकनेस होगा। ये सब चीजें काउंट होती है। आप हो सकता है सेंटर पे थोड़ा लेट हो गया, 5-10 में ओला वाले ने लेट कर दिया, टैक्सी वाले ने लेट कर दिया, वहीं से घबरा गए, और घबरा गए तो पेपर में गए, एकदम हाँपते हुए पहुंचे, पूरा पेपर समझ में नहीं आ रहा, पसीना निकल रहा है, ये सब चीजें हमें समझ में आना। इसकी भी तैयारी हमें आज शाम से ही करनी है कि हम सेंटर पे जाएं तो कुछ पहले निकल लें, आधे घंटे पहले मार्जिन लेके चले कि ये दिक्कत ना हो, हमारा टेम्परामेंट वहां पर गड़बड़ ना हो, सारी चीजें साथ में लेके चले, पता लगे फोटो भूल गए, वहां पर इनिशिएटर बोल रहे फोटो लाओगे तभी हम करेंगे, अब आप वहां पर गए फोटो खिंचाने के लिए गए, तब तक आपका क्या हो गया, परीक्षा का टाइम हो गया, वहां पे घबरा गए, तो टेम्परामेंट खराब होगा वहां पे। इस कारण से मैं ये बोल रहा हूं कि एडमिट कार्ड आप सही से देखे चलो, नींद बहुत अच्छा लो, खाना इस समय का भोजन बहुत ही हल्का लेना है ना, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लेना वो ज्यादा ठीक है, ताकि कल आपको पता लगे कुछ तेलिए खा लिए, पेट में वहां पे क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, अब यहां पे दिमाग खराब है, ये सब काउंट होता है, ये सब फालतू की बातें नहीं है, काउंट होगा। क्योंकि ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका टेम्परामेंट बनाएगा, और अल्टीमेटली 120 मिनट केवल आपकी मैच्योरिटी पे, परिपक्वता पे, आपके टेम्परामेंट पे, और आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे, कितना आपका क्या है पॉजिटिव विचारधारा है, यही पे डिपेंड करता है आपका पेपर कितना अच्छा होना है, कितना गलत होना है। जो पढ़ना था पढ़ लिए, जो करना था कर लिए, खड़े शब्दों में बोले है ना, उखाड़ना था उखाड़ लिए, बस अब ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस आपको केवल और केवल अपने आप को स्वस्थ और अच्छा रखना है। डोंट्स में क्या करना है, डोंट्स में जो डूज करना है उसका अगेंस्ट नहीं करना है, लेकिन कुछ खास बात ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम में ओएमआर फिल नहीं करना है, ठीक है ना। इमोशनली अटैच नहीं होना है, किसी को किसी प्रश्न को दिल नहीं दे बैठना है, ये आप दिमाग में रखो। तीसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है,
कि पता लगे इतना ओवर कॉन्फिडेंस हर जगह आएगा, मैं अपने सेंटर पे सही समय पहुंच जाऊंगा और लेट निकल रहे हो तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में आएगा। इस प्रश्न का उत्तर यही होगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस का प्रश्न में, क्योंकि हमारी विचारधारा बन जाती है, पूर्वाग्रह बन जाता है। पिछले हम लोग कुछ रिजल्ट से देखते हैं कि भाई आयोग ने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिया, तो हम एग्जाम में जब प्रश्न पत्र कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में पजड़ाइश हो जाता है, पूर्वाग्रह बन जाता है कि ये प्रश्न तो गलत ही होगा, आयोग है अधीनस्थ, ये गलत ही दिया होगा, जबकि हो सकता है वो प्रश्न सही हो, आप उस कॉन्सेप्ट को उस नजरिए से नहीं देख पा रहे हो जिससे आपसे वो टीचर या वो आपको जो पेपर सेट किया है वो आपको दिखवाना चाह रहा है। तो वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस में कि ये प्रश्न तो गलत ही है, आप उसे छोड़ के चले जाओगे, ये नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं लेके आना है। कॉन्फिडेंस ठीक है बट ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। तो लास्ट टाइम ओएमआर फिल मत करो, इमोशनली अटैच मत करो, और क्या करो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। ये तीन सबसे बड़ा क्या है, डोंट्स है, जो आपकी परीक्षा में नहीं करना है। अगर इतना फॉलो कर लिए तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये इसलिए मैं बताया हूं ताकि बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग में रिलैक्स मिलता है। मैं जान रहा हूं कि जो बातें मैं बोल रहा हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे मैटर रख रही है, और जो फॉलो कर लेगा अभी से, कुछ भी कर लो, नहीं पढ़े हो छोड़ दो, जब 5 महीने में नहीं पढ़ पाए तो 5 मिनट में कुछ नहीं पढ़ पाओगे, यकीन मानो। बुरा लगे या अच्छा लगे लेकिन हकीकत यही है। मैं भी अभ्यर्थी रहा हूं, मैंने भी ग्रेजुएशन किया है, मैंने भी एमटेक किया है, मैंने भी परीक्षाएं दी हैं, मैंने भी परीक्षाएं निकाले और मैंने भी गलतियां की, मैं जानता हूं। और मैं हजारों बच्चों को देखता हूं जो गलतियां करते हैं। आप उन हजारों में से कोई अलग से भगवान के द्वारा भेजे हुए दूत नहीं हो, आप भी यहां पे जन्म ही लिए हो, मां की कोख से ही पैदा हुए हो, तो आप भी गलतियां कर सकते हो। बात मेरी मानो कि ये काम मत करो, कॉपी किताब साइड में रखो, अच्छा सर हो, अच्छी म्यूजिक सुनो, अच्छा खाओ, अच्छा साउंड लो, और बस यही आपका मूल मंत्र है। बहुत ज्यादा हैक्टिक नहीं लेना है कि 100 में 100 ही सही करना है, नोबेल प्राइज आपको नहीं मिलने वाली। क्लियर? तो उम्मीद है ये बातें आपको फायदा करेंगे। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए मेरा अंतिम प्रयास है आपके लिए। एक अंतिम प्रयास मैंने बताया भी आपको कि कल हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक आपका कट ऑफ सर्वे भी करवाऊंगा मैं, तो ये एक मेहनत मैं अपनी तरफ से आपके लिए और भी करूंगा। पूरे कोर्स में, पूरे इस दरमियान पूरी टीम आपके साथ दिन प्रतिदिन दिन रात लगी रही है ना, दिन को दिन नहीं देखी, रात को रात नहीं देखी। इंडिविजुअली मेरी बात करूं तो मैं हमेशा टीम को हमेशा मोटिवेट करता रहा, इस कोर्स में जितना दे सकता था आपके लिए उतना दिया, एज अ टीम का लीडर होके, एज अ इस संस्था को अगर मैंने खड़ा किया तो कुछ सोच के खड़ा किया, आप लोगों के लिए खड़ा किया, और वो सारी मेहनत मैं झोंक देता हूं आपके लिए। तो ये आपको समझ के चलना है, और अब जो मैं पिरो दिया हूं उसको आपको अवेल कर लेना है, और यही आपके सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जितना कोर्स में बता दिएगा सब कुछ क्रक्स से आप देखिएगा, जो हमारे नोट्स हैं उसी से सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, जो मैंने क्लास में बता दिया वहीं से फंसने वाले, उससे कुछ बाहर नहीं आने वाला। तो बी कॉन्फिडेंट, बी हेल्दी, साउंड स्लीप, यही आपका क्या है, आपकी कल के परीक्षा होने का एक अच्छा होने का एक मूल मंत्र है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। आप सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करो और बहुत अच्छा स्कोर भी लेके आओ। एकदम जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करो, पेपर देखो, तभी आपका सीना गदगद हो जाए कि नहीं यार ये मस्त है, वही प्रश्न है जो मैंने पढ़ के आया है, जो सर ने पढ़ाया था, और तब मैं महसूस कर पाऊंगा कि आज मेरी मेहनत सफल हुई है, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ यह बच्चा इतना कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, ये पक्का पक्का ये यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा निकाल लेगा और मुख्य परीक्षा में बैठने का इसे मौका मिलेगा। फिर मिलेंगे हम लोग जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, मस्त रहिए, और कल का पेपर आपका बहुत अच्छा हो, अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक सभी को, धन्यवाद।